आप सबको पता है मैं अभी जाने वाली हूँ घूमने, तो उसके पहले मुझे मेरे फेस को प्रिपेयर करना है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है जब मामा अर्थ मेरे पास होता है, तो आज मैं मेरे फेस को क्लीन करने वाली हूँ विथ माई न्यू फेस वॉश विच इज फ्रॉम मामा अर्थ। मैंने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एक बार यूज किया है, आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पे। ये है उनका उबतन फोमिंग फेस वॉश और इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक एंड सैफ्रन। मुझे ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब वो उबतन वाली फीलिंग है ना जो, वो एक्चुअली मिलता है इससे। और ये स्पेशली टैन रिमूवल का काम करता है, तो आप देख सकते हो आई नीड दिस प्रोडक्ट बैडली क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है, तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और एक बात बताती हूँ, ये पैराबेन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, साथ में ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये सारे स्किन टाइप को सूट करता है। तो मैं पहले एक बार फेस को पानी से वॉश कर लेती हूँ और भी जो सारे गुण है ना वो आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो मैंने मेरे फेस को पानी से एक बार वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये फेस वॉश। ये फेस वॉश का एक बेनिफिट ये है कि इसके साथ एक ब्रश है, क्योंकि तो आपके फेस से जो भी सारी इम्प्योरिटी है इसे एक्चुअली निकाल देता है। तो ये फेस वॉश के साथ जो ये पंप है, पंप सिस्टम, जैसे ही आप इस पे पंप करते हो तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट लाइक दिस और आपको सर्कुलर मोशन पे इस ब्रश को आपके पूरे चेहरे पे लगा देना है। इससे आपका फेस क्लीन भी हो जाएगा और साथ पे आपको एक बहुत फ्रेश फीलिंग होगा, क्योंकि ये जो ब्रश इसके साथ अटैच है ना बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब मुझे ऐसा टाइप का फेस वॉश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जिसके साथ ऐसा एक एप्लीकेटर दिया हुआ रहता है, बहुत कन्वीनियंट होता है यूज करने में। मेरे चेहरे पे मैंने फेस वॉश लगा दिया है, अब मैं इसे क्लीन कर लूंगी विद वाटर और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चेहरे का जो निखार है वो आपको खुद ही दिख जाएगा। सो यू कैन सी दैट चेंजेस ऑल ओवर माई फेस, बहुत ही ज्यादा फ्रेश फीलिंग हो रहा है और साथ पे बहुत अच्छा एक्चुअली रिजल्ट इसका है इस पर्टिकुलर फेस वॉश का, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट ही है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है, जैसे सैफ्रन है साथ पे इसके साथ टर्मरिक भी है, जो दोनों ही मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करता है। ठीक है, फेस वॉश लगाना तो हो गया है, अब आता है स्किन केयर का बारी। आज मैं मेरे फेस पे लगाने वाली हूँ मामा अर्थ का ही एक सीरम जो है मामा अर्थ उबतन फेस सीरम। तो इसका भी की इंग्रेडिएंट एक्चुअली है सैफ्रन एंड टर्मरिक, जैसे कि फेस वॉश में है, इनका उबतन रेंज है एक्चुअली। बहुत एक अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ जो आप सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है उनका बॉटल और ये है वो सीरम और ये उनके साथ एक ड्रॉपर दिया गया है जिससे कि आप ये सीरम निकाल सकते हो। तो ये देखिए, ये है वो 30 ml का प्रोडक्ट और अब मैं वो सीरम लगाने वाली हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। इसके ऊपर में एक ऐसा एक लीड जैसा लगा हुआ था और इसके ऊपर में मैं अभी दे रही हूँ ये ड्रॉपर। इससे आप बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट ले सकते हो, मैं आपको लेकर बताती हूँ। तो हमें बस कुछ ड्रॉप चाहिए। वाओ, इसका स्मेल मुझे यहाँ तक ही आ रहा है। तो हमें बस लेना है 3 to 5 ड्रॉप्स ऑफ दिस सीरम एंड देन इसको हमें पूरे चेहरे पे अपवर्ड डायरेक्शन पे मसाज करते हुए लगा देना है। वाओ, इसका स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, अच्छा लगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एंड आई एम गुड टू गो। ये जो सीरम है इसको आपको दो बार लगाना है, मतलब ट्वाइस अ डे, एंड लगाने के बाद आपको हल्का सा मसाज देना ही। मसाज भी काफी रिलैक्सिंग लगा एक्चुअली मुझे लगाने के बाद, लेकिन अगर आप इसको दिन के वक्त लगाते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो यही दो न्यू प्रोडक्ट मैं आज से मेरे स्किन केयर में ऐड करने वाली हूँ एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है मेरे स्किन पे। थैंक यू मामा अर्थ फॉर सेंडिंग मी दिस प्रोडक्ट। तो मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि ऑलवेज सपोर्ट इंडियन ब्रांड, ऑलवेज वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, साथ पे अगर आप कोई भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके ऑर्डर के साथ वो एक प्लान को लगाते हैं और आपके प्रोडक्ट के साथ उसे लिंक भी किया जाता है। तो व्हेनेवर यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम मामा अर्थ, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग मदर नेचर, सो दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव गाइस। सो अब क्वेश्चन आता है कि मामा अर्थ का प्रोडक्ट हम खरीदे कहाँ से। तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेजन, नायका, पर्पल और साथ पे आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा और साथ ही में मामा अर्थ का ऐप भी लॉन्च हो गया है, जहाँ से कि आप मामा अर्थ के बहुत अच्छे अच्छे डील एक्चुअली ग्रैब कर सकते हो और अपने कुछ पैसे सेव कर सकते हो। हाँ, पैसे सेव करने से याद आया, मैं आपको एक डिस्काउंट कोड देती हूँ, यू कैन थैंक मी लेटर। ओके, मैं आपको एक डिस्काउंट कोड दे रही हूँ जो है फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से शॉपिंग करनी है एंड आप जब मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जो है ट्रॉपिकल 2021, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यूज माई कोड बिफोर शॉपिंग टू सेव योर मनी। हाँ, अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट लेना है तो मैं इसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहां से अपना शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन यस,
कोड यूज करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ पैसे सेव करिए यार, और उस पैसे से कुछ अच्छा गोलगप्पा खा लें मेरे नाम का। Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? सब आशा करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे हैं, खुश हैं, घर पे सही सलामत हैं। तो आज मैं आई हूँ हाथी टुक्को और मैं इस जगह को आज एक्सप्लोर करने वाली हूँ आप सबके साथ। तो ये एक एबंडेंट जेटी है एक्चुअली। यहाँ से बोट जाता था पोर्ट ब्लेयर की तरफ कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स, बट अभी ये ड्यू टू सम रीज़न ये बंद पड़ा है। आई रियली डोंट नो द रीज़न, इसीलिए मैं इसको स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ कि इसके कुछ एक साइड एक्चुअली टूटा पड़ा हुआ है, मे बी उतना मजबूत नहीं है अभी, और सुनामी के दौरान वो शायद टूट गया है। रियली डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी लोकल सारे लोग आते हैं यहाँ पे मच्छी पकड़ने, टूरिस्ट यहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं आते हुए, लेकिन आप आ सकते हो। ये काफ़ी एक सुंदर सा काम सा ब्यूटीफुल सा प्लेस है, आप यहाँ पे आ सकते हो अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। एंड इवन अंडमान के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्चुअली नहीं आते हैं, तो इफ़ यू आर फ्रॉम अंडमान और नॉट फ्रॉम अंडमान यू शुड कम हियर वंस एटलीस्ट। यहाँ से वाइपर आइलैंड का बहुत अच्छा व्यू आता है एंड वाइपर आइलैंड में हिरन और बहुत सारे सांप एक्चुअली मिलता है वहाँ पे। तो अगर आप कभी वाइपर आइलैंड जाते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं, वो बात भी है, लेकिन यहाँ से वाइपर आइलैंड का एक बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। और बस ये है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है, मैं आज जा रही हूँ नमूनागढ़ की हाथी टप्पू जेटी। एक पुराना जेटी है जिसका सारे इंफॉर्मेशन मैं वहाँ पे जाके मैं बता दूँगी। तो नमूनागढ़ अप्रॉक्स 27 किलोमीटर है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। आप सबको पता ही होगा अंडमान एक परफेक्ट समर डेस्टिनेशन है, और ये मतलब अभी जो मंथ चल रहा है ये परफेक्ट मंथ है फॉर अंडमान ट्रिप। तो अंडमान अगर आप आते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बस स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप घूम कर ही चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगले बार जब ट्रिप प्लान करोगे, आपको कैसे छोटे छोटे जगह भी जाकर एक बार देखिए। जो शांति, जो सुकून आपको वहाँ जाकर मिलेगी, वो आपको बहुत हाई प्लेसेस में भी नहीं मिलेगी। तो एक बार जाकर देखिए हाथी टप्पू जेटी एंड लेट मी नो। तो यहाँ पे आपको हाथी टप्पू का बोर्ड दिख रहा है, ये नमूनागढ़ जंक्शन में ही यहाँ पे बोर्ड है। यहाँ से आप जैसे देख पा रहे हो कि पोर्ट ब्लेयर है 27 किलोमीटर एंड हाथी टप्पू जेटी फ्रॉम नमूनागढ़ चौक है 1.5 किलोमीटर। और अंडमान में ना आपको गूगल मैप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडमान का गूगल मैप तो है अंडमान के लोकल लोग। आप किसी से भी पूछ लो, भैया ये कहाँ पे है, दीदी ये कहाँ पे है, वो लोग आपको यूँ ही बता देंगे। बोट डड़ा रहे से क्रेन। हाथी टप्पू मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर ज़्यादा नहीं दूंगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा वहीं पे दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस जगह का जो रियल आवाज़ है वो सुने, और मुझे जितना पीस फील हुआ ना यहाँ पे जाके वो आपको भी फील हो। जो शेड आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली हाथी रखने के लिए जगह है, तो मे बी इसीलिए इस जगह का नाम है हाथी टप्पू। तो आगे जाके ये जेटी भी क्लोज है एक्चुअली, मतलब ये यूज़ नहीं होता है। ये जो आप आइलैंड देख पा रहे हैं ये है वाइपर आइलैंड, उसके ठीक पीछे है, मतलब वाइपर आइलैंड का एक साइड एक्चुअली है। वो जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा बहुत घर वर, वो एक्चुअली फोर्ट ब्लेयर है, हेडो है, वो मीठा खाड़ी जेटी है। हाँ, फ्लैट बे जाते वक्त यहाँ पे एक दिखा था हमें वाला। ये देखिए कितने सारे जो बोट खराब हो गया है वो सारा बोट है, ये वाला उड का बोट है एक्चुअली। हाँ, करेक्ट। जो वुडन बोट आपको दिख रहा है ना ये कुछ मे बी कोई प्रोजेक्ट का बोट है, क्योंकि
क्योंकि उसमें कुछ लिखा है, मतलब जो कि नॉन म्यांमार है। अच्छा भाई बोल रहे हो म्यांमार लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये वाला है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है, मे बी कोई आया था घुसने अंडमान में, पोचर्स बोलते हैं ना उसको, पोचर्स। ये देखिए और भी कितने सारे बोट हैं यहाँ पे। पर आइलैंड में जब ब्रिटिश राज था तब वहाँ पे लड़कियों के लिए जो जेल था वो वाइपर आइलैंड में है, अभी भी उसका अवशेष है। और यहाँ पे मैंने सुना कि बहुत सांप है वाइपर आइलैंड में। ये शायद पैसेंजर हॉल था जब ये जेटी चालू था, तब ये पैसेंजर हॉल था। ये है पैसेंजर हॉल जिसमें कि प्यार मोहब्बत की बातें लिखा हुआ है। किसका किसका प्यार है देख लो, मेरा नम नाम अभिजीत जिम करो। ये है पैसेंजर हॉल से निकलते हैं, ये वो बोट है। ये एक जेट्रिक का एक साइड टूट गया है, आई डोंट नो ये पहले मतलब यूज क्यों नहीं होता है, मे बी ये उतना मजबूत नहीं है इस कारण। मैं आपको दिखाऊंगी वहां पे जाके पूरा जो ये जगह है ना पूरा, पहले चले जाते हैं वहां पे उसके बाद। ये देखो नीचे जाने के लिए सीढ़ी, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ से कैसा लग रहा है पूरा, हम जहाँ से आए थे कितना बड़ा जगह है। तो यहाँ से वो देखिए हेडो दिख रहा है, हेडो दिख रहा है, ये पूरा नमूना घर ना भाई, ये नमूना घर का साइड है। एंड हम आए हैं यहाँ से, और ये है वाइपर आइलैंड। तो मेरी नानी ने मुझे बताया कि पहले जब वो नमूनागर आती थी, क्योंकि नमूनागर में मेरे एक मामा जी रहते हैं, तो उनके घर में जब वो आती थी पहले तो वो ये जेटी यूज़ करती थी। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो ये एक्चुअली बोट बहुत कुछ देखा है, जैसे सुनामी देखा है, बहुत सारे बोट देखा है, बहुत सारे पैसेंजर देखा है, लेकिन देखो ना अभी बस वो मेमोरीज के साथ ही पड़ा हुआ है। सच बोलूँ तो यहाँ पे जाके ऐसा कुछ बोलने का मुझे मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ सुंदरता वाला व्यू यहाँ से दिखती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इतना खूबसूरत आइलैंड, मतलब मुझे सामने दिख रहा है और आपको खुद ही शायद पता चल रहा होगा कि आसपास कितना सुंदर नेचर है ना, और बस समुंदर की लहर की आवाज़ और चिड़िया की चहक और ठंडी ठंडी हवा, और कुछ भी नहीं चाहिए था सच में। उस दिन बहुत परफेक्ट मौसम था, तो मैं बस उसी को ही एंजॉय कर रही थी। एंड बस मैंने और भाई ने बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किया। तो अंडमान में एक्चुअली एक नया इनिशिएटिव चालू हुआ है, ये जो आप बैम्बो स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हो, और ये जो भैया को देख रहे हो यहाँ पे सी वीड कल्टिवेशन हो रहा है, ये फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से है। आई हैव नेवर हर्ड कि अंडमान में ऐसा कुछ हो रहा है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ अंडमान। अब इस ब्यूटीफुल सा जगह को विदा बोलने का टाइम आ गया है, तो हाथी टुप्पू ट्रॉपिकल पेंगुइन वॉज हियर। तो ये यहाँ पे जिनका जिनका भी नाम लिखा है
अगर आप लोग ये देख रहे हो तो, अगर आपका प्यार सफल हो गया है तो वेरी गुड, नहीं हुआ है तो एक्सट्रीमली सॉरी। चलो निकलते हैं। মাছ ধরছে নামছে। তো মে আর ভাই জব ওয়া পে থে তভি ওয়া পে কুছ অফিশিয়ালস আয়ে থে ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট সে আর উনোনে হামে ইয়ে সিভিড কালটিভেশন কে বারে মে বাতায়া জো আগার হোতা তো বহুত বড়িয়া এক ইনিশিয়েটিভ হ্যায় না আর ওয়া পে রাউ ভি রাখা হুয়া থা জো কি মে থোড়ি দের মে দিখাওগি আর উসি মে ইয়ে কালটিভেট হো। सीवीट के बारे में मुझे इतना पता है कि इसे बहुत मेडिसिन बनता है और साथ ही ये फेस पैक पे यूज होता है, बाहर कंट्रीज पे बहुत फेमस है। देखिए यही है वो राफ्ट। अच्छा आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये हाथी टुप्पू वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर पे रहिए। बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए यहाँ से विदा बोलने का टाइम आ गया है। हमारे लाखों जो कि हमारे बाइक है और मेरे भाई, हम लोग इकट्ठा अभी इस जगह से रवाना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी के ठीक लेफ्ट साइड में है वही एनिमल क्वारंटाइन सेंटर। आई डोंट नो एनिमल क्वारंटाइन सेंटर में क्या होता है, अगर आप में से किसी को भी पता होगा कि वहाँ पे एक्चुअली क्या किया जाता है तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे ये सब जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाथी टप्पू पे एक स्कूल भी है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाथी टप्पू, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट लिया है ताकि आप लोग देखें कि अंडमान में स्कूल कैसे कैसे जगह पर भी होता है। अंडमान में बहुत सारे ऐसे स्कूल है, ये देखे ये है स्कूल। तो आप में से बहुत किसी को ये डाउट होता है कि क्या अंडमान में स्कूल है, तो उसी को क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा शॉट ले लिया था। और यहीं पे कहीं पे ना मेरे वो जो रिलेटिव है उनका घर है, तो आज ही मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ उसी दिन मैंने मेरे नानी से बोला कि चलो एक दिन जाते हैं मामा के घर, बहुत दिन वहाँ गए नहीं तो हम प्लान कर रहे कि जाएंगे। और उनका घर भी बहुत खूबसूरत है, मतलब आसपास में ना पॉन्ड है, बहुत सारे बतख थे उनके घर में। मैं बहुत साल पहले गई थी और अब तो चेंज भी हो गया होगा लेकिन क्लोज टू नेचर ही होगा क्योंकि ये जगह ही ऐसा है। आप देख सकते हो दोनों तरफ में घर तो है लेकिन आसपास कितना सुंदर नज़ारा भी है साथ पे। तो ऐसे ही हमारा इस दिन का ट्रिप ख़त्म हुआ। ऑन द वे भी जर्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं जो आपको बोलती हूँ हर वक्त कि ऐसे सारी जगह पे जाने से ना टेम्परेचर जो डाउन होता है ये एकदम पता चलता है। क्योंकि हम जाते पोर्टब्लेयर पे, पोर्टब्लेयर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे सारी जगह पे ऐसा नहीं है। बहुत ठंड ठंड फीलिंग होती है, बहुत सुकून लगता है। जैसे कि मैं हर वक्त बोलती हूँ आपको कि मैं 9 to 6 जॉब में हूँ और वीक डेज में मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता, लेकिन वीकेंड में अगर ऐसा छोटा सा एक ट्रिप हो जाए ना तो दिल का शांति का ठिकाना नहीं होता है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हाथी टप्पू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।